नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के बाद भारत से हर कोई विनेश फोगाट का समर्थन कर रहा है। इस बीच अब भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी विनेश फोगाट के लिए पोस्ट किया है। विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होने से पूरा भारत हैरान है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मैच से पहले 50 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। देश की राजनीति से लेकर फिल्मी हस्तियां भी विनेश फोगाट के समर्थन में खड़ी है। अब भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी विनेश फोगाट के समर्थन में पोस्ट शेयर किया है। आइए जानते हैं कि पूरे मामले पर कंगना रनौत का क्या रिएक्शन सामने आया है। पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के बाद कंगना ने विनेश फोगाट का सपोर्ट किया है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर विनेश फोगाट के समर्थन में तस्वीर को शेयर किया है। इस तस्वीर में भारत माता विनेश फोगाट के पीछे खड़ी दिख रही है। वहीं तस्वीर पर लिखा है कि मत रो विनेश, आपके साथ खड़ा है पूरा देश। इसके अलावा कंगना ने विनेश की ताज़ा तस्वीर भी शेयर की है और उन्हें शेयर ने कहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट की पहली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में विनेश के चेहरे पर मुस्कान नज़र आ रही है, विनेश के बाल छोटे नज़र आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वजन कम होने के लिए उन्होंने अपने बाल कटवाए थे। तस्वीर में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ पीटी उषा उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। 100 ग्राम ज़्यादा वजन मिलने से डिस्क्वालीफ हो गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किए जाने के मामले पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि विनेश फोगाट का वजन सुबह 7:10 पर और 7:30 बजे नापा गया। विनेश का वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया। विनेश के अयोग्य घोषित होने पर भारत ने ओलंपिक संघ से इनका विरोध जताया है। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइन।